नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, तो ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है और उसके अंदर इमोबिलाइजर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर कैसा प्रॉब्लम है और उसको कैसा शॉर्ट आउट करते हैं। तो उसको गाड़ी को मैं पहला स्विच ऑन करता हूँ। अभी इसको मैं सेल्फ मार रहा हूँ, इसको अभी उसको मैं क्रैंकिंग कर रहा हूँ, तो ये गाड़ी चालू नहीं हो रही है। और दूसरी बात, इसके अंदर जैसा भी मैं इग्निशन स्विच ऑन किया तो यहाँ पे चेक लाइट तो बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो इमोबिलाइजर लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही है। यहाँ पे इमोबिलाइजर लाइट ब्लिंक कर रही है, आपको अच्छा से दिखा दो। तो ये जब तक ये स्विच इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद आके जाना चाहिए, ये अभी कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है तो गाड़ी चालू नहीं होएगी। और दूसरा बात है कि इसको अपन आज मैं हर टाइम पे स्कैनिंग करता हूँ, लेकिन अभी विदाउट स्कैन इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। और ये जो चेक लाइट का है तो उसको अलग अलग गाड़ी में अलग अलग जो मॉडल्स है उसमें अलग अलग नाम दिया जाता है अलग अलग कंपनी का। कोई इसको इमोबिलाइजर लाइट बोलता है, कोई सिक्योरिटी लाइट बोलता है, कोई उसको इंजन लॉक हो गया बोलता है महिंद्रा में। और कुछ गाड़ी का सिस्टम है कि इसके अंदर जो निशान का कुछ मॉडल है उसके अंदर कैसा लाइट जाना चाहिए, ये लाइट जाना चाहिए लेकिन ये कंटिन्यू ऑन रहता है, मतलब ब्लिंक नहीं करेगा लेकिन कंटिन्यू ऑन रहेगा, ऐसा तो भी सिक्योरिटी सिस्टम का इशू है, ऐसा रहता है प्रॉब्लम। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। और जो टोयोटो में यहाँ पर रहता है, इधर रहता है टोयोटो का लाइट, जैसे भी इग्निशन स्विच ऑन करेंगे यहाँ का ब्लिंक रेड लाइट रहता है वो इधर ब्लिंक करता है। जैसे भी अपन चाबी इन करेंगे इसके अंदर तो यहाँ का जो रेड वाला लाइट रहता है वो बंद होता है। कुछ गाड़ी का हैजर्ड के उधर आता है, हैजर्ड के इधर भी रहता है कुछ गाड़ी का सिक्योरिटी लाइट सिस्टम, कुछ गाड़ी का क्लस्टर में रहता है, कुछ गाड़ी का राइट साइड में भी रहता है। तो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग सिस्टम है। तो आपको समझने के लिए मैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन दिया, तो अभी देखेंगे। ये पहला मैं गाड़ी दिखाता हूँ, ये मारुति का स्विफ्ट है, 2012 का मॉडल है, के सीरीज इंजन है। तो एक बार वापस दिखाता हूँ, एक बार थोड़ा सेल्फ मार उसको, मैं एक बार सेल्फ मार के दिखाता हूँ। ये क्रैंक तो होएगा लेकिन ये गाड़ी चालू नहीं होएगी। ये देखो क्रैंकिंग हो रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ऐसा कभी भी इशू आता है। और उसमें और एक चीज़ रहता है कि इसमें जो है ना, उसमें भी दो टाइप के इमोबिलाइजर है इसके अंदर। जो दूसरा रहता है इमोबिलाइजर, उसके बारे में बात करूँगा। वो इमोबिलाइजर में कोडिंग करना पड़ता है लेकिन इसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरा जो आता है उसको आपको कोडिंग करना पड़ता है। तो अपन पहला इसके अंदर बहुत टाइप का प्रॉब्लम होता है। जैसे सिक्योरिटी लाइट ऑन होता है जो ब्लिंक करना चालू होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आपका की का भी इशू रहता है इसके अंदर, कभी वायरिंग का इशू रहेगा, कभी ECM का भी प्रॉब्लम रहता है, जो आगे जो मेन मदरबोर्ड रहता है कंप्यूटर उसके अंदर भी प्रॉब्लम रहेगा, तो भी आपका ये सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करेगा। चाबी के अंदर रहेगा तो भी करेगा। और इसके अंदर दूसरा और एक है कि इसके अंदर ट्रांसपोंडर आईडी के अंदर, इसके अंदर ट्रांसपोंडर आईडी रहते हैं, उसके अंदर भी वो कभी मिसिंग हुआ रहेगा, ख़राब हुआ रहेगा, तो भी इसका प्रॉब्लम होता है। इसके अंदर रहता है, कवर निकालेंगे तो इसको, इसके अंदर आईडी चिप रहती है, वो भी कभी भी नीचे गिर जाती है, टूट जाती है, रिमोट ख़राब हो जाता है, तो फिर तो भी ये प्रॉब्लम होता है। कभी इसका ब्लेड है, ये जो इसका ब्लेड है, ये ब्लेड को कभी घिस जाता है पूरा, मतलब ऐसा डाल के बैरल में डाल के बहुत टाइम पे है ना, उसके घिस जाता है, तो कैसा रहता है वो बराबर उसको उसकी फ्रीक्वेंसी रीड नहीं करता है। और फिर वो इसके वजह से भी एकदम ढीला बैठता है, इसमें एकदम लूज रहेगा तो भी आपका ये सिक्योरिटी लाइट कंटिन्यू ब्लिंक करेगा। तो सिक्योरिटी लाइट के लिए आपका ये आईडी के अंदर भी प्रॉब्लम रहेगा, ये ब्लेड के अंदर भी प्रॉब्लम रहेगा, इमोबिलाइजर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, ECM के अंदर जो आगे जो ECM है, ECM के भी अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो भी अपनी सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करेगी। और इनके सबका वायरिंग भी कुछ शॉर्ट है, इधर उधर इशू है, तो भी आपका
ये आपको मैं ECM का भी एक बार लोकेशन दिखाता हूँ। ये इंटरनल, ये ECM है उसका, ये ECM के अंदर भी इंटरनल कुछ इशू रहेगा तो भी सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करेगी, और आपका कुछ भी वायरिंग के अंदर इसका इशू रहेगा तो भी ये इमोबिलाइजर लाइट ब्लिंक करेगी। तो अपन स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो पहला तो अपन उसका और ये सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी उसको मैं स्विच को, इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ। ऑफ करके मैंने चाबी साइड में किया, अभी इसके अंदर एक स्क्रू आता है, तो अपन यहाँ पे उसका एक स्क्रू रहता है, उस स्क्रू खोलना पड़ता है इसमें। ये स्क्रू खोलने के बाद इसका ये निकल जाता है। इसमें चार वायर वाला सॉकेट आता है इसमें, तो इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो बनाऊंगा कि ये चारों वायर का सप्लाई कैसा रहता है, कौन सा वायर कलर कोड के हिसाब से क्या सप्लाई आता है उसके अंदर, उसके बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जिनके पास स्कैनर नहीं है, टेक्नीशियन भाई लोगों के पास, मैकेनिक भाई लोगों के पास, उनके लिए तो एक ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास स्कैनर भी नहीं रहेगा तो भी आप उसका काम इजीली कर सकते। तो ये जो इमोबिलाइजर है इसका जो ये है ना साइज़ है, ये फ्लैट आता है, पतला आता है, लेकिन आपको कोई दूसरा गाड़ी का, कुछ गाड़ी में ऐसा है कि बड़ा आता है ना सॉकेट, तो उसके अंदर कुछ गाड़ी के अंदर कोडिंग ज़रूरी है, कंपलसरी कोडिंग करना पड़ता है, कुछ के अंदर इसके अंदर कोडिंग नहीं आता। तो मैंने एक अलग से एक दूसरा एक लाया है यहाँ पे, ये है मेरे पास और एक है, ये नया लाया मैंने, तो सेम है, उसका पार्ट नंबर भी देख सकते हैं 83LP00 33970, तो सेम है। अभी उसको अपन इसके अंदर डाल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो इसको इधर लॉक रहता है, आपको केयरफुली इसको निकालने का रहता है, आपको पहला इसको प्रेस करके यहाँ पे इसको हल्का इसको राइट साइड में लेने का रहता है, और निकालने के टाइम में भी आपको हल्का लेफ्ट साइड में लेके उसको निकालने का रहता है स्लॉट में, कभी डायरेक्ट निकालेंगे तो इसमें वो टूट जाता है, तो आपको ये केयरफुली निकालने का रहता है। तो ये दो लॉक रहता है और यहाँ पे दो उसके खांचे रहते हैं, तो आपको अच्छा से उसको उसके अंदर बिठाने का रहता है, ये इसको डाल के इसको ऐसा लॉक करने का रहता है। लॉक करने के बाद अपन इसका सॉकेट लगाएंगे और इसका जो स्क्रू है स्क्रू लगाएंगे। तो पहला स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आज अपन विदाउट स्कैनर काम करेंगे कि गाड़ी चालू होती है क्या देखेंगे। तो ये मैंने फिट कर दिया, इसको एंटीना कॉइल भी बोलते हैं, इमोबिलाइजर भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको एंटीना भी बोलते हैं। कुछ गाड़ी का इमोबिलाइजर अलग से भी आता है, अलग अलग लोकेशन रहता है, किसका स्मार्ट की रहता है तो उसमें क्लियर एंट्री का भी एक अलग से डब्बा आता है, तो अलग अलग गाड़ी का अलग अलग सिस्टम है। तो ये इसको अपन एंटीना भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको इमोबिलाइजर भी बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसका। इसका चाबी अपन लगाते हैं, देखो मैंने इसको चाबी मैंने इसको इन किया, अभी ऑन करते हैं। दोस्तों ये लाइट आके चला गया जहाँ पे ये पहला ब्लिंक कर रहा था, ये जैसे भी मैंने दूसरा एंटीना इमोबिलाइजर डाल दिया तो ये अपना लाइट चला गया। वापस एक बार मैं वापस ऑफ करके ऑन करता हूँ, ये आके जाना चाहिए, ये आ गया, ये चला गया, मतलब ये अपना काम सक्सेस हो गया। तो आपका इसके लिए इसको बता, और इसको आपको मैं गाड़ी चालू करके भी दिखाता हूँ एक बार कि ऐसा रहता है। इसको अभी मैं सेल्फ मारता हूँ, अभी आपको आपको मैं थोड़ा एक्सीलेटर भी लेके दिखाता हूँ। थोड़ा रेस दे हल्का, तो ये अपना गाड़ी स्टार्ट हो गया है।
वापस एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ एंटीना डाला विदाउट स्कैनर है, उसको कोडिंग की ज़रूरत नहीं रहती, आप डायरेक्ट डाल के उसको गाड़ी चालू कर सकते हैं। मैंने ऑफ कर दिया, ये जूना वाला एंटीना है इधर, ये जूना वाला है इमोबिलाइज़र, और ये मैंने नया डाल दिया इसके अंदर। तो वापस एक बार मैं आपको दोनों साथ में ही दिखाता हूँ। मैं ये मैंने इग्निशन स्विच को ऑन किया, ये लाइट आके चला गया और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, मतलब अपना ब्लिंक का जो प्रॉब्लम था वो अपना सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आया रहेगा, आया रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।